हांसी में बीते 15 दिनों के अंदर हांसी पुलिस ने जातीय टिप्पणी करने के मामले में एक और चर्चित चेहरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिल्म अदाकारा युविका चौधरी के खिलाफ अधिवक्ता एवं एक्टिविस्ट रजत कलसन की शिकायत पर SC/ST एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। इससे पूर्व हांसी पुलिस युवराज सिंह और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की किरदार बबीता जी मुनमुन दत्ता के खिलाफ जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि अधिवक्ता रजत कलसन द्वारा इससे पूर्व कई हस्तियों के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करने को लेकर मुकदमे दर्ज करवाए जा चुके हैं। युवराज सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे में जांच चल रही है। वहीं अब युविका चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। युविका पर भी उसी शब्द को इस्तेमाल करने का आरोप है जो युवराज सिंह ने किया था। युविका वीडियो में बोल रही है कि उसे एक जाति विशेष के लोगों की तरह नहीं दिखना है। इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा एक CD पुलिस को दी गई थी, जिसकी प्रारंभिक जांच के बाद शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में युविका चौधरी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी करेगी, जिसके बाद उनकी संभावित गिरफ्तारी हो सकती है। मामला ये है सर कि एक फिल्म अभिनेत्री है युविका चौधरी, और उस युविका चौधरी ने अपने ब्लॉग में एक वीडियो जारी किया था, और उस वीडियो में उक्त अभिनेत्री ने अनुसूचित जाति समाज के बारे में बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और वो वीडियो हमारे तक भी पहुँचा था। और जैसे ही हमने उस वीडियो को सुना तो लगा कि इसने तो अनुसूचित जाति समाज के बारे में बड़ी अभद्र टिप्पणी की हुई है। तो हम लोगों ने तुरंत SP साहब हांसी जो है निकिता गहलोत जी, उनको एक फॉर्मल कंप्लेंट दी 26 मई को, और उसके साथ उस वीडियो की CD भी हम लोगों ने दी। तो SP साहब ने उस वीडियो की साइबर सेल से जांच कराई। जांच कराने के बाद वो वीडियो दुरुस्त पाया गया, और आज उस मामले में थाना शहर हांसी में फॉर्मल FIR रजिस्टर की गई है युविका चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट के सेक्शंस में, जो नॉन कंपाउंडेबल और नॉन वेलेबल है। तो अभी जल्दी इस मामले में एक नोटिस पुलिस द्वारा युविका चौधरी को भेजा जाएगा, और जब वो शामिल तफ्तीश होंगी तो हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो। आजकल एक चलन चल गया है कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों के खिलाफ टिप्पणी करें और एक TRP हासिल करें। हम लोग इस चलन को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये FIR दर्ज कराई है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने वो वर्ड अनजाने में यूज़ किया और मुझे उसका मतलब बिल्कुल नहीं पता था, और मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि अनजाने में हुई गलती को प्लीज़ आप माफ़ करें।